हुजूर का कुछ बात है तो ऐ जालिम तू एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। हुजूर का कुछ बात है जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा सौदा, कोई आता है उठाता है चला जाता है। शायर कहता है बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है, मेरी तन्हाई पढ़ा रहा है चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ जिससे मजमे में इंकलाब पैदा हो जाए। हजरत हम लोग बार बार नारा लगाए ये लोग नहीं लगा रहे, ऐसा शेर पढ़ रहा हूँ कि लगाने मजबूर हो जाएंगे। जैसे नोटबंदी नहीं हुई थी, आप नोटबंदी हुई तो आप नोट बदलने मजबूर हो गए थे, वैसे शेर ऐसा है कि आप नारा लगाने मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जरा सारे लोग अपने हाथों उठाए और नबी के नाम पे मोहब्बत बोल दे, मोहब्बत साथ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जो हाथ नबी के नाम पे न उठे वो किसी लायक नहीं है। मैं दुआ करता हूँ जितने हाथ उठे अल्लाह उन हाथों को सलामत रखे। मोहब्बत बोल लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह। शेर देखिए आप, और आप सुन के बताना सद्दाम भाई को कि हम खुशामदी के बाशिंदे हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए आप, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। बड़ा शेर, बड़े लोगों को मौजूद बनाकर आप जैसे बड़ों दरमियान एक बड़ा चैनल। देखिए आप, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उनवान भी दे सकते हैं। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उनवान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। अगर ऐसा अगर नारा लगाओगे ना यार, अगर ऐसे ऐसे शेर पे नारा लगाओगे आप, यकीन करो हम पूरे गांव की घेराबंदी करा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप नहीं लगाए नारा, समझ रहे हैं? दोबारा पढ़ोगे? दोबारा नहीं पढ़ूंगा जब तक आप नारा लगाए नारा। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उनवान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद में जान भी, हम मोहम्मद में जान भी। यार जो आवाज नबी के नाम पे ना निकले वो जाति निकलती रैलियों में जाने लगती है। मोहब्बत बोलो हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मेरे नबी के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते हैं, कोई मेरे हुजूर के ऊपर इल्जाम लगाता है, कोई हुजूर की शान में बकवास करता है। उनको बता दो जालिमों, अगर आइंदा नबी की शान में बकवास किया ना, ज़बाने काट लेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? और ये कहेंगे सुनो, तू जिंदगी में कभी शान नहीं हो सकता। बहुत बड़ा शेर माहौर के साथ पढ़ रहा हूँ, हर जगह इस तरह नहीं पढ़ता हूँ। देखे आप, तू जिंदगी में कभी शाद नहीं हो सकता, खुदा के कहरे से आजाद नहीं हो सकता। मेरे हुजूर का कुछ बात है तो ऐ जालिम तू एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। हुजूर का कुछ बात है तो ऐ जालिम तू एक बाप की औलाद। अब बता नहीं लगाए नारा धर्म है कोई मजमे में नारा लगाने वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, अजमते सरकार, अजमते सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलकत्ता से आए हैं, नारी पढ़ने में जा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं।
चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन शरीयत का मसला दम मुहाबिला में ही ला मुहाबिला में आज मुहाबिला में है कि नहीं। आप बोले भाई मोहब्बत पर लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं आखिरी शेर, अब इंशाल्लाह अगर आप मोहब्बत देंगे तो 365 दिन बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, या 6 महीने बाद, हो सकता है डबल होता होगा, आप बुलाए ना बुलाए, लेकिन हम शेर सुना के जाएंगे। मोहब्बत बोले या रसूल अल्लाह, शेर देखिए आप, नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये बताएं अनवर भाई बोले, दोबारा पढ़ दें, दोबारा पढ़ दें, सुनेंगे आप लोग सुनेंगे जी, कितने लोग सुनेंगे, हाथों उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शेर दिया नबी के इश्क की दौलत से पढ़ के कुछ भी नहीं, सद्दाम में शॉर्ट में चले गए सब मामला आपका इंशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं, बेशक रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब आप मोहब्बत से तैयार हो जाए, एक ऐसा खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करता है मजमे से, ऐसा ऐसा लगता है कि उस्ताद बैठा है शागिर्दों को सबक सिखा रहा है, सुभान अल्लाह। पीर की पहचान है, अखलाक जिनकी शनाख्त है, उर्दू जबान जिनकी कनीज है, जिनको आज हम नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार हुसैन साहब बांदवी एडवोकेट अलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जान पर पहचानता है, और इंशाल्लाह हजरत अभी वकील हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह हजरत जज बनने वाले हैं इंशाल्लाह, आमीन। खतीब को आप सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, उठाए हाथों को नारे तकबीर, सारे लोग ऐसा इनका इस्तकबाल कर ले, हजरत जाएं तो आपके नाम की तस्बीह पढ़ते जाएं, मोहब्बत करें आप, ऐसा नारा लगाएं आप, क्योंकि तंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर, एक तरफ मक्के की तरह एक तरफ शहर नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा इधर आधा आधा इधर आधा, वैसे आप और आधा बोले आधा चुप बैठे हुए, आधा इधर आधा उधर, एक एक आधा जी को देख लेना पुलिस रात, एक देखो काट कर आधा आधा इधर आधा उधर, अब आइए मोहब्बत इस अंजुमन में।